जी बताइए। रिलेशनशिप बिटवीन टू पैरामीटर्स। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, सो इन टू पोर्ट नेटवर्क वी हैव सीन इंट्रोडक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, वी हैव सीन इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, वी हैव सीन मैथमेटिकल मॉडल फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स, फॉर जेड पैरामीटर, बाई पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड फॉर इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ओके, इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, इन रिलेशनशिप वी हैव सीन हाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू फॉर वन पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर। ओके, एंड आई थिंक वी ऑल्सो कवर्ड सम न्यूमेरिकल फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू गिवन सर्किट और अकॉर्डिंग टू गिवन नेटवर्क। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। ओके, जो कल मैंने आपको दिखाया था एक न्यूमेरिकल, आफ्टर दैट कास्केड कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल सीरीज कनेक्शन। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, 1 मिनट। मोस्ट प्रॉबली आज हम टू पोर्ट नेटवर्क को कवर कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग मोड में है। यस ओके यस सर। ओके, 1 मिनट, लेट मी ओपन वन नोट। ओके, ठीक है। ओके, सो नोट डाउन न्यूमेरिकल। फाइंड शॉर्ट सर्किट इनपुट इनपुट एडमिटेंस एंड शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। क्वेश्चन इज फाइंड शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। नोटेशन क्या होगा इसके लिए? फाइंड शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। सर एक बार कल वाला भी करा दीजिए। कल वाला हुआ नहीं? उसमें सर वो दिया हुआ था इंडिपेंडेंट सोर्स, एक बार वो करा हाँ, दीजिए। तो डिपेंडेंट सोर्स तो जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था। चलो, एक डिपेंड इसमें मैं डिपेंडेंट सोर्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बताना। ठीक है, ओके सर। ओके। फाइंड शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। फाइंड शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। नोटेशन बताइए इसके लिए। एंड शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस फॉर द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क। फॉर दी गिविन टू पोर्ट नेटवर्क। फॉर दी गिविन टू पोर्ट नेटवर्क। तो व्हाट इज द नोटेशन फॉर शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस? क्या नोटेशन था शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस के लिए? Y11 शॉर्ट सर्किट है, ऑब्वियसली Y होगा। एंड फॉर शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस वी हैव नोटेशन Y11। एंड व्हाट इज द नोटेशन फॉर शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस? Y21 Y21। ओके, सो नोटेशन फॉर शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस Y21। तो हो सकता है कि आपसे केवल बाई पैरामीटर पूछे, जेड पैरामीटर पूछे, या फिर स्पेसिफिक पूछे बाई नेम। ओके, अगर बाई नेम स्पेसिफिक पूछता है तो उस केस में आपको नोटेशन भी पता होनी चाहिए। ओके,
So note down the circuit diagram. In circuit diagram, we have resistor value 10 ohm. Okay, we have resistor value 1 ohm. Okay. Next, we have resistor value 4 ohm. Okay. And we also have a dependent source. Dependent source of value 3i. Dependent source of value 3i. So it is current controlled current source of value 3i. I means current in a 10 ohm resistor. बिकॉज जिस पैरामीटर पे डिपेंडेंसी होगी ऑब्वियसली पैरामीटर आपको गिविन होगा अदरवाइज वी कैन नॉट कैलकुलेट अननोन पैरामीटर्स सो हेयर आई मीन्स करंट इन 10 ओम रजिस्टर सो हाउ वी कैन कैलकुलेट बाई 11 एंड बाई 21 हाउ वी कैन कैलकुलेट बाई 11 एंड बाई 21 KCL लगा देंगे सो इसमें KCL आप लगा देंगे ओके तो KCL लगाने से पहले आप अजम्पशन कर लीजिए फर्स्ट फॉर इनपुट पोर्ट वोल्टेज B1 करंट I1 सो हेयर यू कैन से I1 इक्वल टू I ठीक है दैट्स वाई 3I की वैल्यू कितनी होगी 3I1 बिकॉज यू नो कि जो भी इक्वेशंस हैं वो I1 I2 के टर्म्स में होनी चाहिए या फिर B1 B2 के टर्म्स में होनी चाहिए तो यहाँ पर I1 हमारा अजम्पशन है I स्मॉल I आपको गिविन है तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग I1 करंट है फॉर द इनपुट पोर्ट ओके और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको I गिविन है दैट्स वाई I1 की वैल्यू I के इक्वल होगी दैट्स वाई 3I की वैल्यू 3I1 होगी ओके इन सेम वे वी कैन एज्यूम वेरिएबल्स फॉर आउटपुट पोर्ट लेट अस एज्यूम वोल्टेज प्लस माइनस B2 एंड करंट I2 ठीक है ओके ठीक है सभी ने ड्रॉ कर लिया सर्किट डायग्राम अजम्पशन कर लिया सभी ने यस सर ओके ठीक है सो आपको KVL लगाना है या फिर KCL लगाना है आपको डिसाइड करना है तो आपको B1 और B2 की रिक्वायरमेंट है तो बेटर क्या है कि आप इसमें KVL लगाइए ओके जो इक्वेशंस आएंगी उनको आप फिर कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है सो दैट वी कैन कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर बाई पैरामीटर्स ओके सो हेयर यू कैन से यू कैन अप्लाई KVL फॉर फर्स्ट मैस यू कैन अप्लाई KVL फॉर सेकेंड मैस ओके इन थर्ड मैस वी हैव करंट सोर्स सो यू नो वी कैन नॉट अप्लाई KCL फॉर द थर्ड मैस Fine, we can apply KVL only for first mesh and for second mesh. So if we will apply KVL for the first mesh, what is the equation? बताइए जल्दी से माइनस बी वन आगे बताइए माइनस बी वन प्लस टेन आई वन प्लस टेन आई वन ओके नेक्स्ट बताइए प्लस वन आई वन प्लस आई प्लस वन आई वन प्लस आई टू आई वन प्लस आई टू श्योर आई वन प्लस आई टू यस सर ओके आई वन प्लस आई टू इक्वल टू जीरो ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी आपको B1 equal to 10 plus 1. 11I1 plus I2. 11I1 plus I2. ठीक है फर्स्ट इक्वेशन ठीक है ओके सेकेंड इक्वेशन के लिए आप सेकेंड मैथ में KVL लगाइए
let us apply KVL for the second mass. Minus B2, आगे बताइए. माइनस बी टू आगे बताइए. फोर ओम में रिजल्टेंट करंट कितनी है? आई टू माइनस थ्री आई वन. आई टू प्लस टू. आई टू माइनस. आई टू प्लस. फिर प्लस प्लस सर. प्लस आएगा. आई टू दोनों के डायरेक्शन सेम ही है. ओके सर. प्लस होगा. तो प्लस फोर कितना बोला आपने? आई टू प्लस प्लस थ्री आई. ओके आफ्टर दैट प्लस और माइनस? प्लस वन आई वन प्लस आई टू. प्लस वन आई वन प्लस आई टू या आई टू प्लस आई वन इक्वल टू जीरो. कितना मिलेगा बी टू इक्वल टू? बी टू की वैल्यू कितनी आएगी? बी टू बताइए. आई वन प्लस फोर आई वन प्लस फाइव आई टू. फोर आई वन प्लस फाइव आई टू. यस सर. यस सर. ओके क्यों फोर से मल्टीप्लाई भी तो करना है आपको. थर्टीन आई वन प्लस फाइव आई टू. ठीक है इक्वेशन सेकंड. अगर किसी को रिलेशनशिप याद हो जाए तो इक्वेशन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है आप डायरेक्ट यहां से जेड वन जेड जेड वन वन जेड वन टू जेड टू वन जेड टू टू कैलकुलेट कर सकते हैं. और आई थिंक रिलेशनशिप मैंने बताया था ना आप लोगों को. बताया था या नहीं बताया था? बाई पैरामीटर्स मैंने बताया था इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स. यस और नो? यस सर. ओके और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? बाई वन वन कैलकुलेट करना था और बाई टू वन कैलकुलेट करना था. ठीक है तो बाई वन वन की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी? इफ यू रिमेम्बर बाई वन वन कितना था? बाई वन वन था जेड टू टू डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ जेड पैरामीटर मैट्रिक्स. और बाई टू वन की वैल्यू कितनी थी? इफ यू रिमेम्बर बाई टू वन कितना था? माइनस जेड टू वन अपॉन माइनस जेड टू वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ जेड. तो अगर आप चाहें तो इस रिलेशन को याद रख सकते हैं. बस थोड़ा सा ट्रिकी है. जैसे बाई वन वन है आई थिंक डिनोमिनेटर में तो डिटरमिनेंट ऑफ जेड ही था. यस और नो? एम आई राइट ना? आप सब में देखो बाई वन वन बाई वन टू बाई टू वन बाई टू टू. डिनोमिनेटर में तो सेम था डिटरमिनेंट ऑफ जेड. अगर हम बाई वन वन के लिए लिखेंगे तो न्यूमिनेटर में जेड टू टू होगा. वन वन का टू टू और टू वन के लिए आपका टू वन ही है. आप ध्यान से देखो बाई टू वन न्यूमिनेटर में आपने जेड टू वन लिखा हुआ है माइनस में. सिमिलरली बाई वन टू का अगर हम रिलेशन देखेंगे, वैसे कैलकुलेट नहीं करना है फिर भी मैं लिख देता हूं. माइनस कितना था? जेड वन टू डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ जेड पैरामीटर मैट्रिक्स. और बाई टू टू का क्या रिलेशन था? बाई टू टू का क्या रिलेशन था? बाई वन वन में लिखा था न्यूमिरेटर में जेड टू टू. तो जब हम बाई टू टू का रिलेशन राइट जेड वन वन डिटरमिनेंट ऑफ जेड. तो याद रखना इतना मुश्किल नहीं है. बट फिर भी अगर नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले आप बाई पैरामीटर्स की इक्वेशंस को लिखिए. आफ्टर दैट आप फर्स्ट सेकेंड को मॉडिफाई करिए सो दैट यू कैन कंपेयर फर्स्ट सेकेंड विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर बाई पैरामीटर्स. आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट बाई वन वन बाई टू वन बाई वन टू एंड बाई टू टू. बट यहां पर आपसे बाई वन वन पूछा गया था और बाई टू वन पूछा गया था. ठीक है तो आप दूसरे मेथड से कैलकुलेट कर लेना. यस और नो? कैलकुलेट कर लेंगे ना? बताइए यस और नो? यस सर. ठीक है आप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी आएगी. बाई वन वन की वैल्यू कितनी आएगी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग?
वाई वन वन की वैल्यू बता दीजिए रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कितनी आएगी। ठीक है, पहले इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को किससे कंपेयर करिए, कंपेयर विद जेड पैरामीटर की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, बी वन इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू सर 5/22 5/22 किसकी वैल्यू बता रहे हैं आप, वाई वन वन 5/22 सर 13/42 5/42 है 5/42 आ रही है सर। यार सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 5/42 यस सर यही आ रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, तो जेड वन वन आपने लिखा, जेड वन वन 11, जेड वन टू कितना लिखेंगे 1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड को कंपेयर करिए, कंपेयर सेकेंड इक्वेशन विद सेकेंड इक्वेशन फॉर जेड पैरामीटर्स। सेकेंड इक्वेशन क्या थी जेड पैरामीटर्स के लिए, बाई वी टू इक्वल टू जेड टू वन आई वन प्लस जेड टू टू आई टू। ठीक है, सो जेड टू वन की वैल्यू कितनी होगी, जेड टू वन 13 एंड जेड टू टू 5. ओके, सो फर्स्ट राइट जेड पैरामीटर मैट्रिक्स सो दैट यू कैन कैलकुलेट डिटरमिनेंट फॉर द मैट्रिक्स। जेड पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होगी, 11, 1, 13, 5। डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट बताइए कितना 42 जिसका चेंज आ रहा था वो देख लो एक बार, 42। ओके, सो 42 आपका डिटरमिनेंट हो गया, सो दैट्स वाई बाई वन वन कितना हो गया 5/42 ओम इनवर्स एंड बाई दूसरा कौन सा निकालना था हमें, y21 बता दो कितना आ रहा है, -13/42 -13/42 ओम इनवर्स। ठीक है, सो इट्स योर चॉइस, आपको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग करना है या फिर आपको डायरेक्ट इक्वेशंस को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड मॉडल के साथ। ठीक है, ओके, अब आप वाली प्रॉब्लम को बताना है या नहीं, या एक बार और ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, एक और डिपेंडेंट सोर्स की एक और करा देता हूं, डिपेंडेंट सोर्स के लिए एक और करा देता हूं। ठीक है, सो नोट करिए क्वेश्चन, फाइंड एच पैरामीटर्स फॉर द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, फाइंड एच पैरामीटर्स फॉर द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, फॉर द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, फाइंड एच पैरामीटर्स फॉर द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, सो नोट डाउन द सर्किट डायग्राम, इन सर्किट डायग्राम फर्स्ट वी हैव रजिस्टर वैल्यू आर, इसको आर वन लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंट करंट सोर्स वैल्यू जीएम आपने पढ़ा है, ये कहीं सुना है आपने जीएम, एफईटी पढ़ लिया आप लोगों ने बेसिक, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, नो सर, नो सर। तो जीएम होता है ट्रांसकंडक्टेंस फॉर द एम्पलीफायर। ठीक है, जब आप एफईटी पढ़ेंगे तो वहां सर आपको बताएंगे GM इज ट्रांसकंडक्टेंस फॉर द एम्पलीफायर, इसकी वैल्यू है GM B1, बिकॉज यू नो यू हैव डिपेंडेंट सोर्स एंड इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, B1 दिया है क्वेश्चन में, B1 इज वोल्टेज एट दिस पॉइंट, एट हाईलाइटेड पॉइंट, आपको कैलकुलेट करना है H पैरामीटर्स for the given two port network।
ओके, आपको कैलकुलेट करना है एच पैरामीटर्स फॉर द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है? सो एनी आइडिया हाउ वी कैन कैलकुलेट, बताइए। सबसे पहले आप अजम्पशन कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो अजम्पशन फर्स्ट फॉर इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट के लिए वोल्टेज क्या थी, प्लस माइनस। और आपको पता है कि क्वेश्चन में जो नोड दिया है उसके लिए भी वोल्टेज वी वन ही होगी, यस और नो? अगर फॉर एग्जांपल मुझे जीएम वी दिया होता तो वी की वैल्यू किसके इक्वल होती, वी वन के इक्वल होती, यस और नो? बट यहां पर आपको वी वन दिया है और आपके अजम्पशन के अकॉर्डिंग भी वैल्यू वी वन है, दोनों वैल्यू सेम होंगी, दोनों वैल्यू सेम होंगी, ओके? तो अगर वैल्यू वी दी होती या बी वन नहीं होती, फिर भी आप अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग उसको बी वन ही लिखते, बिकॉज यू नो कि वेरिएबल्स बी वन बी टू आई वन आई टू ही होने चाहिए, तभी आप कंपैरिजन करके डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमेशा माइंड में रखिए, जब भी आप टू पोर्ट नेटवर्क के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करोगे, जो वेरिएबल्स होने चाहिए, मे बी डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, बी वन बी टू आई वन आई टू, तो अगर न्यूमेरिकल में कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स गिविन है, राइट, आपको गिविन वेरिएबल को रिलेट करना है अपने अजम्पशन के, अपने अजम्पशन से, ठीक है? सो दैट यू कैन कैलकुलेट डिफरेंट इक्वेशंस एंड यू कैन कंपेयर इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग अननोन पैरामीटर्स, ओके? नेक्स्ट अजम्पशन क्या होगा इनपुट पोर्ट के लिए, करंट, ठीक है? नेक्स्ट अजम्पशन फॉर आउटपुट पोर्ट, तो लेट अस अज्यूम वोल्टेज बी टू फॉर द आउटपुट पोर्ट, पोलैरिटी प्लस माइनस, लेट अस अज्यूम करंट आई टू फॉर द आउटपुट पोर्ट, डायरेक्शन टुवर्ड्स नेटवर्क, ओके, ठीक है? ये अजम्पशन ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। अब इसमें केवीएल लगाना है या केसीएल लगाना है? यहां पर आपको केवीएल लगाना है या फिर आपको केसीएल लगाना है? कौन सा मेथड हम इजिली इजिली अप्लाई कर सकते हैं? केसीएल। केसीएल, तो आप केसीएल के लिए रेफरेंस नोड डिसाइड कर लो, बिकॉज फर्स्ट लूप में तो आप केवीएल लगा सकते हैं, सेकेंड लूप में तो आप केवीएल नहीं लगा सकते, बिकॉज यू हैव करंट सोर्स। सिमिलरली सेकेंड में आप केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है? तो बेटर क्या है कि फर्स्ट नोड पे आप केसीएल लगाइए, सेकेंड नोड पर आप केसीएल लगाइए। इसको आप फर्स्ट नोड एज्यूम कर लीजिए, पोटेंशियल ऑलरेडी आपको पता है, इसको आप सेकेंड नोड एज्यूम कर लीजिए, पोटेंशियल अजम्पशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आर टू के अक्रॉस वोल्टेज बी टू है, तो सेकेंड नोड का भी पोटेंशियल कितना होगा? बी टू, ठीक है? सो अप्लाई, फर्स्ट अप्लाई केसीएल फॉर फर्स्ट नोड। हाँ, केसीएल अप्लाई करने से पहले फर्स्ट एज्यूम करंट इन आर वन, ओके? आफ्टर दैट एज्यूम करंट इन आर टू, ओके? सो लेट अस एज्यूम i3 एच करंट इन आर वन, एंड लेट अस एज्यूम करंट एज i4 इन रजिस्टर r2। नाउ अप्लाई केसीएल फॉर फर्स्ट नोड, बताइए क्या होगी केसीएल इक्वेशन फर्स्ट नोड के लिए? i1 प्लस gm v1 इक्वल्स टू i3। i1 इनकमिंग करंट, ओके, gm v1 इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट यू आर सेइंग i3, सो i1 प्लस gm v1 इक्वल टू i3, ठीक है? अब i1 इट्स ओके ना, gm v1 इट्स ओके, ओके? क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए i1 b1 i2 b2 के टर्म्स में, ठीक, बट हमें i3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो i3 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर i3? v1 अपॉन r1, ओके, v1 माइनस 0 ओवर r1,
ठीक है, अब यहां से आप मुझे आई वन की वैल्यू बता दीजिए, आई वन कितना होगा, बी वन आपका कॉमन हो जाएगा, सो आई वन कितना होगा, बी वन वन माइनस जी एम आर वन ओवर आर वन, ठीक है, इक्वेशन सपोज फर्स्ट, ठीक है, ओके, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया, यस सर, ठीक है, आप किस नोड पे केसीएल लगाना है आपको, अप्लाई केसीएल फॉर द सेकेंड नोड, अप्लाई केसीएल फॉर द सेकेंड नोड, इक्वेशन बताइए, अप्लाई केसीएल फॉर सेकेंड नोड, इनकमिंग करंट आई टू, आउटगोइंग करंट्स I4 GM GM VM plus okay. I4. Okay, so sum of outgoing currents means I4 plus GM B1. ठीक है, I2 तो as it is रहेगा, आपको I4 की वैल्यू पुट करनी है, I4 कितना होगा, I4 करंट इन R2, B2 माइनस जीरो बाई R2, R2. ओके, GM B1 भी आपका सेम रहेगा, ठीक है, तो यहां से आप मुझे I2 की वैल्यू बता दीजिए, I2 कितना होगा, एज इट इज लिख दूं मैं, सेम B2 बाई R2 प्लस GM B1, इक्वेशन सेकेंड, ठीक, आपको कौन सा पैरामीटर कैलकुलेट करना है, H H पैरामीटर्स, ठीक है, सो नो फर्स्ट राइट डाउन इक्वेशंस फॉर दी H पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स, सो ऑलरेडी वी हैव सीन फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी H पैरामीटर के लिए, B1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 B2, सॉरी H12 B2, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी H पैरामीटर के लिए, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 B2, because for H parameters already I told you dependent variables and independent variables, dependent variables kya the B1 I2, aur independent variables kya the I1 B2, I1 B2, that's why first equation hogi B1 equal to H11 I1 plus H12 B2, second equation hogi I2 equal to H21 I1 प्लस एच टू टू बी टू, तो लेट अस अज्यूम थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन, अब देखो कौन सी इक्वेशन कंपेयर हो जाएगी इजीली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट हो जाएगी कंपेयर, आई वन आई वन, ओके बी वन, ओके ठीक है, ओके, बट फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करना पड़ेगा ना सर, बी वन के टर्म्स करना पड़ेगा, हाँ राइट राइट, so rewrite first equation for b1, first को rewrite कर लीजिए for b1, कितना होगा b1 first equation के according, first equation के according b1 कितना होगा, i1 r1, i1 r1 divided by 1 minus gm, gm r1, ठीक है, तो यहाँ i1 का coefficient तो है ना, but b2 का coefficient क्या है, जीरो जीरो, बी टू का कॉफिशियंट जीरो है, तो यहां मैं लिख देता हूं सो दैट आप कंपैरिजन इजीली कर पाए, अब आप फर्स्ट डेस्क को कंपेयर कर लीजिए थर्ड के साथ, ठीक है, फर्स्ट डेस्क को कंपेयर कर लीजिए थर्ड के साथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट डेस्क विद इक्वेशन थर्ड, ओके, तो एच वन वन की वैल्यू कितनी आएगी, R1 upon 1 minus GM R1. R1 upon 1 minus GM R1. और H12 की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो. जीरो. ठीक है? चलिए नेक्स्ट पैरामीटर्स बता दीजिए. सेकेंड कंपेयर होगी फोर्थ के साथ. सेकेंड कंपेयर होगी फोर्थ के साथ. I2 ओके. B2 ओके. किस पैरामीटर को एलिमिनेट करना है? सेकेंड. B1 को एलिमिनेट करना है, एंड ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड B1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इट इज गिवन बाय फर्स्ट डैश इक्वेशन, सो
we will put value for b1 from first dash into second equation so that we can compare second with fourth. ठीक है, तो second equation में b1 को eliminate करने के लिए b1 की value first dash से second equation में put करिए. ठीक है, और आंसर बताइए कितना आएगा. क्या थी सेकेंड इक्वेशन, या लिख दूं किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें. पुट बी वन कहां से पुट करनी है. पुट बी वन फ्रॉम फर्स्ट डैश इन किस इक्वेशन में पुट करनी है आपको, इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, I2 इक्वल टू, क्या थी सेकेंड इक्वेशन, I2 इक्वल टू B2 बाय R2. ओके, B2 बाय R2 प्लस GM. अच्छा, किसकी वैल्यू बता रहे हैं आप मुझे ये, वन मिनट, एक बार मैं B1 की वैल्यू बता रहे हैं. ओके, इक्वेशन फर्स्ट मुझे बताएंगे था क्या थी, इक्वेशन सेकंड क्या थी, I2 इक्वल टू B2 बाय R2 प्लस GM B1 था ना. ओके ओके, तो जीएम तो ओके फाइन. बी वन की वैल्यू आपने कितनी बताई मुझे, आर वन अपॉन वन माइनस आर वन जीएम. आर वन आई वन भी तो होगा साथ में सर, आई वन भी है, आई वन मेंट पर. आर वन आई वन ओवर वन माइनस जीएम आर वन. ठीक है, ओके, अब डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा आई थिंक. ओके, सो इसको आप लिख लीजिए सेकेंड डैश, compare second dash with fourth equation. So H2 equals to GMR1 upon 1 minus GMR1. Okay. Or H2 upon R2. Okay. Compare second dash with the fourth equation or with the second equation for H parameters. So H21 ki value hogi GMR1. H21 means I1 ka jo coefficient hai. GMR1 over 1 minus जीएम आर वन. ठीक है, और एच टू टू की वैल्यू होगी, एच टू टू मीन्स बी टू का कॉफिशियंट, वन बाई आर टू. ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एच टू टू, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एच टू वन. ठीक है, ओके, और मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा जब इंटरकनेक्शन में भी मुझे बताना पड़ेगा, तो इंटरकनेक्शन में और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा वहां पे. ठीक है, so let us see next topic, interconnection of two port network, most important. आपने देखा था कल क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में, ये थ्योरी में भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी इसका आ सकता है, इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क. नेक्स्ट टॉपिक इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क. इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क. ठीक है, तो क्या क्या इंटरकनेक्शन हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, हम डिवाइस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल कनेक्शन है बताइए. दो डिवाइस को अगर कनेक्ट करना हो, हाँ, फर्स्ट कनेक्शन बताइए, सीरीज कनेक्शन. सेकंड कनेक्शन बताइए, पैरेलल कनेक्शन. ओके, और नेक्स्ट कनेक्शन अगर किसी को आइडिया हो तो, जैसे जब मैंने बैंड पास फिल्टर बनाया था, एक्टिव बैंड पास फिल्टर बनाया था, तो मैंने आपको कौन सा कनेक्शन बताया था, याद है किसी को, नहीं याद है, कौन सा कनेक्शन बताया था, कास्केड कनेक्शन. ठीक है, और कौन सा कनेक्शन हो सकता है, सीरीज पैरेलल. ठीक है, इसके अलावा कोई सा कनेक्शन हो सकता है, पैरेलल सीरीज. ठीक है, ओके, तो
तो जब आप जब टू पोर्ट नेटवर्क को, जैसे दो टू पोर्ट नेटवर्क है, आप उसको सीरीज वे में कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल वे में कनेक्ट कर सकते हैं, कास्केड वे में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल वे में कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल सीरीज वे में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कनेक्शन इज सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, सेकेंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, थर्ड कास्केड कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, सेकेंड लास्ट सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, लास्ट पैरेलल सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है। मैं दो अलग अलग नेटवर्क बना रहा हूं, आप मुझे बताना कि सीरीज में क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। सो फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट सब हेडिंग सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज कनेक्शन करना है तो कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम? टू, टू, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मिनिमम टू नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेट अस कंसीडर फर्स्ट नेटवर्क, ठीक है, एन ए या एन वन, इट्स योर चॉइस, आपको ए लिखना है, वन लिखना है, ठीक है, फाइन। अब जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है इसमें आप किसी की भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप ट्रांजिस्टर की एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स मैंने इसलिए बनाया हुआ बिकॉज जनरलाइज करने के लिए, आप फिल्टर की एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मर की एनालिसिस कर सकते हैं, आप ट्रांजिस्टर की एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ ब्लैक बॉक्स का मतलब है नेटवर्क, फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, नेम सपोज एन ए नेटवर्क, दैट्स बाई आई एम राइटिंग एन सबस्क्रिप्ट ए, ए मीन्स फॉर फर्स्ट नेटवर्क, ठीक है। एंड यू नो फॉर टू पोर्ट नेटवर्क वी हैव इनपुट पोर्ट, वी हैव आउटपुट पोर्ट, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए उसके बाद फिर नोट करना, क्योंकि कनेक्शन समझना जरूरी है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ओके। इनपुट पोर्ट, वी हैव इनपुट पोर्ट, वी हैव आउटपुट पोर्ट। अब इनपुट पोर्ट के लिए वेरिएबल्स क्या होंगे बताइए, इनपुट पोर्ट्स के लिए वेरिएबल्स क्या होंगे? आई वन वी टू, हाँ बी वन आई वन, बट हमने नेटवर्क ए लिया है तो आप लिख लीजिए बी वन ए, और करंट क्या होगी? I1 A, इसीलिए वन ना लिख के आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आउटपुट पोर्ट के लिए वोल्टेज सपोज कितना? B2A, और करंट क्या होगी? I2A, ठीक है। सो दिस इज फॉर फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, ओके। नाउ एज्यूम सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क, इसको हम क्या लिख लें, सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क को NB सपोज, तो हियर वी हैव इनपुट पोर्ट, वी हैव आउटपुट पोर्ट। फॉर इनपुट पोर्ट लेट अस अज्यूम वोल्टेज V1V, करंट सपोज I1B, ठीक है। फॉर आउटपुट पोर्ट, फॉर सेकेंड नेटवर्क लेट अस अज्यूम वोल्टेज प्लस माइनस B2B, करंट सपोज I2B, ठीक है। अब इसको सीरीज में कनेक्ट करिए, हाँ इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है बताइए, सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है बोलिए, कैसे कनेक्शन करते हैं? दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे? दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करते हैं? पहले का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल। पहले का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल, ओके। मतलब या बोल सकते हैं पहले का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, ऐसा बोल सकते हैं? यस, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ भी यूज करना है, और आपको पता है सीरीज कनेक्शन में कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। वोल्टेज क्या होगा? टोटल वोल्टेज दोनों का एडिशन होगा, यस और नो? अगर मेरे पास 3 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो टोटल वोल्टेज कितनी मिलेगी मुझे?
अगर मेरे 8 वोल्ट टोटल, मुझे 8 वोल्ट मिलेगा, ठीक। तो सीरीज कनेक्शन में आपको क्या रखना है, प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से। तो ध्यान से समझना एक बार सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब इसमें दो इनपुट पोर्ट के लिए हैं, दो आउटपुट पोर्ट के लिए हैं। बैटरी में तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वहां पर आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा सो दैट आप पॉजिटिव नेगेटिव इजीली कनेक्ट कर पाए। तो मैंने दोनों को बना लिया, आपको दिख रहा है पैरेलल बट ये पैरेलल नहीं है, ओके। आपको दिख रहा है पैरेलल बट ये पैरेलल नहीं है, फाइन। अब एनए नेटवर्क वन के लिए इनपुट पोर्ट्स के लिए दोनों टर्मिनल्स आप बना लो, ठीक है। नेटवर्क टू के लिए इनपुट पोर्ट के लिए दोनों टर्मिनल्स आप बना लो, ठीक, ओके, डन। क्या था ये, प्लस माइनस था, यस और नो? टू के लिए ये प्लस माइनस था, ठीक है। अब किसका कनेक्शन करना है, माइनस का प्लस से, यस और नो? यस सर। और जब आप फाइनल के लिए वोल्टेज नोट करेंगे, मे बी फ्रॉम मल्टीमीटर, और आई थिंक आपने लैबोरेटरी में किया होगा, तो मल्टीमीटर का पॉजिटिव और मल्टीमीटर का नेगेटिव, ठीक है। तो या इसको मैं थोड़ा डॉट से दिखाना चाह रहा हूँ सो दैट आपको फाइनल वोल्टेज दिख जाए। तो फाइनल वोल्टेज हम कहाँ से लेंगे, जो डॉट मैंने लगाया हुआ है, इन दोनों टर्मिनल से आप कौन सी वोल्टेज लेंगे, फाइनल वोल्टेज लेंगे, ठीक है, फाइन, ठीक। और उस फाइनल वोल्टेज को मैं बोल देता हूँ बी वन, ठीक है, क्योंकि इनपुट पोर्ट के लिए, तो इसको मैंने बी वन बोल दिया। पोलैरिटी आपको पता है प्लस माइनस, ठीक। वन के लिए वोल्टेज क्या था, वन के लिए वोल्टेज क्या था, बी वन ए। टू के लिए वोल्टेज क्या था, बी वन बी, ठीक है, फाइन, इतना ठीक है, ओके। करंट बताइए, वन के लिए करंट कितना था, I1A, और बी के लिए करंट कितना था, I1B, ठीक। सीरीज कनेक्शन में आपको पता है कि टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट का मतलब I1A, I1B के इक्वल होगा, लेट अस अज्यूम I1, ठीक है, ये ठीक है, यहां तक ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। सेम वे में आउटपुट पोर्ट का कनेक्शन करिए, जल्दी से अपनी कॉपी में करिए, आउटपुट पोर्ट का कनेक्शन करिए। पहले आउटपुट पोर्ट के लिए दोनों टर्मिनल्स बना लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस मेंशन कर लीजिए। अब सीरीज कनेक्शन करिए जल्दी से, तो किसको किससे कनेक्ट करना है, तो प्लस को माइनस से, ओके। कोई स्कीम चल रही है कोई, मतलब क्या है उसमें, ठीक है, एक बार माइक म्यूट कर लो प्लीज, माइक म्यूट कर लीजिए, सुन लो मैं अभी, हाँ सुन लो, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए अभिषेक, ओके फाइन, ठीक है ओके, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब आप वेरिएबल्स लिख लीजिए, आउटपुट पोर्ट के लिए वेरिएबल्स लिख लीजिए, वोल्टेज क्या होगी, B2A फॉर नेटवर्क ए, फॉर सेकेंड नेटवर्क वोल्टेज क्या होगी, B2B, ठीक है। करंट क्या होगी, बोलते रहो भाई, I2A सेकेंड पोर्ट के लिए, सेकेंड नेटवर्क के लिए करंट क्या होगी, I2B, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन के बाद फाइनल वोल्टेज लिख लीजिए B2 फॉर आउटपुट पोर्ट, करंट लिख लीजिए I2, ठीक है। तो दिस इज सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, दिस इज सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। किसी को डाउट है कनेक्शन में तो बताइए, किसी को डाउट है कनेक्शन में तो बताइए,
जल्दी बताइए। नो सर। ठीक है ओके। अब सीरीज कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता है बी वन कितना होगा, बोलिए बी वन कितना होगा सीरीज कनेक्शन के अकॉर्डिंग। बी वन ए प्लस बी वन बी, ओके। और बी टू कितना होगा सेम वे में, बी टू ए प्लस बी टू बी। करंट बताइए आई वन किसके इक्वल होगा, आई वन ए आई वन बी, आई वन बी दोनों इक्वल होंगे, हमने ओवरऑल के लिए आई वन एज्यूम किया है। सिमिलरली आई टू ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई टू बी के इक्वल होगी, हमने इसको आई टू एज्यूम किया है। तो अजम्पशन सबको क्लियर है? यस सर। यस ओके। अब आपको क्या लिखना है, नेटवर्क ए के लिए जेड पैरामीटर इक्वेशंस लिखनी है। सो फर्स्ट वी विल राइट जेड पैरामीटर इक्वेशंस फॉर नेटवर्क एन ए। सो फॉर नेटवर्क एन ए जेड पैरामीटर इक्वेशंस क्या होंगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, बी वन ए इक्वल टू, सब में ए लगा देना है ना सबस्क्रिप्ट में, जेड वन वन ए बोलते रहिए आगे, आप लोग लिखते रहिए, आई वन ए प्लस कितना आई टू ए, ओके। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, बी टू ए इक्वल टू जेड टू वन ए, नेक्स्ट टर्म आई वन ए प्लस जेड टू टू ए आई टू ए, सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन राइट जेड पैरामीटर इक्वेशंस फॉर सेकेंड नेटवर्क। सो फॉर नेटवर्क एन वी फर्स्ट इक्वेशन वी हैव कितना होगा, बी वन बी इक्वल टू, बस ए को बी से रिप्लेस कर दीजिए, जेड वन वन बी, ठीक है ओके, आई वन बी प्लस जेड वन टू बी आई टू बी, थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी सेकेंड नेटवर्क के लिए, वी टू बी इक्वल टू जेड टू वन बी आई वन बी प्लस जेड टू टू बी आई टू बी, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है यहां तक ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, और आपने क्या कहा था बी वन की वैल्यू किसके इक्वल थी सीरीज कनेक्शन में, बी वन किसके इक्वल था, बी वन ए प्लस बी वन बी, तो आपको किस किस को ऐड करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करना है, ऐड करिए, और इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिए, तो वी हैव जेड वन वन ए, ठीक है, आई वन ए प्लस जेड वन टू ए आई टू ए प्लस जेड वन वन बी आई वन बी प्लस जेड वन टू बी आई टू बी। और आपको पता है आई वन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, आई वन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, I1 B के इक्वल है, I1 A की वैल्यू किसके इक्वल है, I1 B के इक्वल है, और हमने वैल्यू क्या एज्यूम की थी I1, ठीक है, तो ये यहां से I1 कॉमन आएगा, तो वी हैव Z11 A प्लस Z11 B इनटू I1, ठीक है। रीजन पता है ना सबको, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, यहां दोबारा लिख दूं, यहां मैं लिख देता हूं आई वन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, आई वन बी के इक्वल है, हमने आई वन एज्यूम किया था, ठीक है फाइन। सिमिलरली आई टू ए की वैल्यू किसके इक्वल है, आई टू ए की वैल्यू किसके इक्वल है, I2 B है, और हमने आई टू एज्यूम किया था, तो आप आई टू कॉमन ले लीजिए, सो वी हैव जेड वन टू ए प्लस जेड वन टू बी इंटू आई टू, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ, सो दिस इज फॉर बी वन, ओके, दिस इज फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट
टू टू पोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है। सिमिलरली B2 आप बता सकते हैं मुझे B2 की फाइनल इक्वेशन क्या होगी? B2 आपने कितना लिखा था? B2 कितना लिखा था? B2A प्लस B2B। चलिए B2A की वैल्यू पुट करिए सेकेंड इक्वेशन से, B2B की वैल्यू पुट करिए फोर्थ इक्वेशन से, डायरेक्ट लिख दूं मैं? डायरेक्ट लिख दूं? यस यस। क्या आएगा बताओ? हाँ, क्या आना चाहिए B2 के लिए? 21A plus Z21B I1 Z21A plus Z21B I1 plus again Z22A Z22B I2 Z22A plus Z22B into I2। Yes sir, right। Equation sixth, ठीक है। अब इक्वेशन फिफ्थ किसको डिफाइन करेगी? दिस इज जेड पैरामीटर इक्वेशन फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ टू टू पोर्ट नेटवर्क्स, लिख लेना। सिमिलरली इक्वेशन सिक्स्थ विल डिफाइन जेड पैरामीटर इक्वेशन फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ टू टू पोर्ट नेटवर्क्स। सो सीरीज कनेक्शन के लिए जेड पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होगी? सीरीज कनेक्शन के लिए जेड पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? जेड वन वन ए प्लस जेड वन वन बी। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? जेड वन टू ए प्लस जेड वन टू बी। वन टू बी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, जेड टू वन ए प्लस जेड टू वन बी। नेक्स्ट जेड टू टू ए प्लस जेड टू टू बी। इसका क्या मीनिंग है? जो आपको मैट्रिक्स मिली है इसका क्या मीनिंग है? अगर हम फर्स्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर्स कैलकुलेट करें और अगर हम सेकेंड नेटवर्क के जेड पैरामीटर्स कैलकुलेट करें, अगर सीरीज कनेक्शन है तो दोनों को हम क्या कर दें, दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर दें? प्लस प्लस। दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें सीरीज कनेक्शन के लिए, और यू कैन से ओवरऑल जेड पैरामीटर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि कनेक्शन कौन सा है। नेटवर्क वन को अलग से ड्रॉ करके अननोन पैरामीटर कैलकुलेट करना है, ओके। नेटवर्क टू को अलग से ड्रॉ करके अननोन पैरामीटर और यू कैन से जेड पैरामीटर कैलकुलेट करना है, और फाइनल जो नेटवर्क बना होगा अकॉर्डिंग टू सीरीज कनेक्शन ऑफ टू टू पोर्ट नेटवर्क्स, उसके लिए जेड पैरामीटर क्या होंगे? एडिशन ऑफ जेड पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट नेटवर्क एंड जेड पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर सेकेंड नेटवर्क, ठीक है, ओके। तो यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक ठीक है। तो आगे फिर हम लंच के बाद फिर डिस्कस करेंगे पैरेलल कनेक्शन कास्केड कनेक्शन, ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।